ਕਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਫਸੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾਵ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਓ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਲ ਟਕੈਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ आने वाले समय के बीजेपी के जोड़े लीडर ने उन्हों का घराव करा क्योंकि वो किसान के जे हमायती ने तो किसानों के साथ देन अगर जो हिमायती नहीं है बीजेपी के ही तलवे चटने उन्होंने सरकार ने ही देखना उन्होंने आम पब्लिक नहीं देखना जिन्होंने वोटा पा के जिताया है जो उन्होंने बारे नहीं सोचना तो उन्होंने जरूर घराव करा। संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों दिए गए सद्दे दे तहत अज चंडीगढ़ दे सैक्टर 31 दे अंदर एफसीआई दे दफ्तर दे सामने रोस धरना दिता जा रहा है। वकील रविंदर सिंह बासी अते होरना आगुआं ने इस मौके ते जानकारी दिती कि केंद्र सरकार जान बुझ के फसलों की किसानों नू सीधी अदायगी का मामला उलझा रही है ताकि किसी ना किसी तरीके दे नाल किसानों नू गुमराह किया जाए जिस नाल आड़तियां अते किसानों का रिश्ता खराब हो जाए जबकि दूसरे पासे पंजाब सरकार आड़ती अते किसान इस गल दे नाल सहमत हन कि अदायगी सिर्फ आड़तियां दे जरिए ही कीती जानी चाहिदी है। सर अज जिहड़ा एफसीआई दा घराव है संयुक्त मोर्चे दी कॉल ते असीं एफसीआई दा घराव कीता क्योंकि ये सरकार एफसीआई नूं भी प्राइवेट करना चाहुंदी आ प्राइवेट करन दे चक्कर दे विच ते साडे मंडीकरण नूं प्राइवेट करना चाहुंदी है जिस नाल साडे विचों आड़तीकरण सारा कुछ बंद हो जाऊगा ते डायरैक्ट साडे यानी कि जिहड़ी फसल उह खरीदी जाऊगी पर उहदे विच कोई रेट फिक्स नहीं होगा। सैकेंड जिहड़ा इत्थों राशन मिलदा उह राशन मिलने बंद हो जाणगे एफसीआई नूं प्राइवेट कर रहे इस करके असीं अज एफसीआई दफ्तर दा घराव बहुत वधिया प्रोटेस्ट चल रहे जी शांतमई चल रहा और असी कोई भी हुल्लड़बाजी या किसी तरह का कुछ नहीं करना असी शांतमई तरीके दे नाल प्रशासन नूं नहीं परेशान करना असी आम जनता नूं परेशान नहीं करना असी शांतमई प्रोटेस्ट कर रहे। ये अज दा प्रदर्शन है जी संयुक्त किसान मोर्चे वालों अज कॉल दी गई सी भी 5 अप्रैल नूं जिथे भी नेड़े तेड़े एफसीआई दे दफ्तर है उहदे उपर धरना लाना ते उहदा घेराव करना जी असी उहदे लई असी चंडीगढ़ नौजवान किसान एकता वालों सारे पेंडू संघर्ष कमेटी वालों अते जिन्ने भी चंडीगढ़ दे चौंकां दे खड़दे लोक सारे रल के 8:30 तो 1 बजे तक इत्थे धरना देणगे जी। रोस तां इक्को ही चल रहा जी अपना किसानां दा उत्थे जी असी संयुक्त मोर्चे दे नाल खड़े हाँ जी जद तक तुसीं अज दा देखो मोदी शाह अपना सॉरी गवर्नर दा अपना बयान देख लो अपना होम मिनिस्टर साहब दा की है कहिंदे जी जिहड़े नारंग साहब ते हमला होया पंजाब च उहनां नूं सिक्योरिटी दो इदां दा हुण उह कल टकैत ते हमला होया उहदा किसे दा बयान नहीं आया कदी अमित शाह ने बयान करिया किसी होर ने बयान करे वी गलत होया क्यों नहीं करिया क्योंकि इहनां दी नीतियां गलत ने सरकार गलत है बीजेपी सरकार शुरू तो गलत रही है और अगे भी गलत रहेगी। असीं अज दा प्रदर्शन जिहड़ा हैगा इह ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਰਾਬ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਬ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ जे हमायती ने तो किसानों के नाल साथ देन अगर जो हिमायती नहीं है बीजेपी के ही तलवे चटने उन्होंने सरकार ने ही देखना उन्होंने आम पब्लिक नहीं देखना जिन्होंने वोटा पा के जिताया है जो उन्होंने बारे नहीं सोचना तो उन्होंने जरूर खराब करांगे। चंडीगढ़ तो सोनू चासला के नाल हरदीप कौर विरक की रिपोर्ट चढ़दी कला टाइम टीवी।